हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। जैसा यहाँ पर आज के टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिजनेस का क्या मतलब हुआ, जो हम अपने बिजनेस लाइक अपनी कंट्री के अंदर ही कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा होम टाउन बिजनेस, या फिर उसको हम लोग एक तरीके से एक छोटे लेवल पे बिजनेस बोल सकते हैं। बट जब भी हम अपने बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लेकर के जाते हैं और वहाँ पर जाकर के बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं, अपने पूरे बिजनेस को वहाँ पर भी प्रमोट करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये समझो। तो इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब हुआ, इन्वॉल्वमेंट का जो भी एटमॉस्फियर है, आसपास की जो भी चीज़ें हैं, दैट इम्पैक्ट्स द इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो अब वो कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया क्या गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ही क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये हो गया कि ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट इम्पैक्ट्स द कंपनीज। ठीक है, जो आपकी कंपनीज को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर कंडीशंस जो कि आपकी कंपनीज़ को, आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आपका ये आ जाता है कि इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के अंदर हम किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, यानी पैसे रुपए से रिलेटेड जो भी एक्सचेंजेस वगैरह हो गया, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बात होती है वो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के अंदर आती है। देन इसके बाद में पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पॉलिटिकल और लीगल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब हो गया कि हर एक जगह का जो भी कि हर एक कंट्री का अलग 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 रूल रेगुलेशन होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उसका रूल हर एक जगह का अलग होता है ना, आप समझते होगे। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ट्रेड की क्या पॉलिसी है। ठीक है, टैक्सेशन, हर जगह के टैक्स वगैरह अलग होते हैं, तो ये सब जगह की यानी कि अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। देन इसके अलावा कल्चर, यानी कि हर एक जगह का कल्चर वगैरह अलग होता है, हर जगह का बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, लैंग्वेज वगैरह सब जगह की अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जैसे कि इंडिया की अपेक्षा अगर दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे जापान हो गया या फिर आपका देखो जाकर के USA वगैरह का, तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कुछ ज़्यादा एडवांस यूज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको हमको इन अपने बिजनेस को मोल्ड करना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल और डेमोग्राफिक। ठीक है, सोशल का मतलब हो गया कि किस तरीके के लोग रहते हैं, कहाँ पर उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरीके का उनका प्रेफरेंस है, वो क्या चाहते हैं, है ना। जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं, वहीं दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड और थोड़े फैशनेबल अलग तरीके के लोग होते हैं, तो यानी कि किस तरीके का उनका लाइफ स्टाइल है, कैसा रहन सहन है, वो सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। इसके अंदर देखो कि आपका ग्लोबलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हम अलग अलग जगह पर जाकर के ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, देन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, यानी कि अपने जो भी हमारे बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि अपने बॉर्डर से बाहर का ट्रांजेक्शन्स लेना, यानी कि बाहर की चीज़ों को अपने यहाँ मंगाना, अपने यहाँ की जो भी हमारी चीज़ें हैं वो बाहर भेजना। देन इसके बाद में डाइवर्स मार्केट, हर जगह की मार्केट अलग होती है, हर जगह की बहुत ज़्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, और इसके साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी भी होती है ग्रोथ के लिए, यानी कि आप ग्रोथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो अगर जहाँ पर रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा कि मेहनत है करने में, वहीं साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी भी है ग्रोथ की। जैसे मैकडोनल्ड्स ले लो, है ना, एप्पल के फ़ोन्स ले लो, तो ये सभी चीज़ें क्या, इंटरनेशनल लेवल पर ही तो मैन्युफैक्चर होते हैं सारी की सारी चीज़ें, बट इनमें क्या है, ग्रोथ भी अच्छा खासा, प्रॉफिट भी है। देन स्कोप की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो देखो कि इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, है ना, यानी कि ट्रेड का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स, वही चीज़ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो ये इसका सबसे बड़ा ट्रेड हो गया। देन इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चैन मैनेजमेंट, है ना, हम बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं, देन उसके बाद में मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको हम डिलीवर करते हैं, कस्टमर दूसरी जगह के कंज्यूम करते हैं, तो ये ग्लोबल सप्लाई चैन चल रहा है। देन इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हम अपने केवल कंट्री में नहीं करते हैं, इंटरनेशनल
लेवल पे करते हैं, तो ये भी एक इसका स्कोप हो गया। देन क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, यानी कि हमको पूरे कल्चर से रिलेटेड अलग अलग जगह के कल्चर को मैनेज करना होता है। देन इसके बाद में नीड्स क्या हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी नीड्स लिखी हैं, इसमें से आप कोई भी चार पाँच पिकअप कर सकते हो। जैसे कि क्यों इंटरनेशनल बिजनेस ज़रूरी है, ताकि हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकें, है ना। इसके अलावा अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, है ना। इसके अलावा क्या कर सकें, कंपटीटिव यानी कि हम अपने कंपटीशन को बढ़ा सकें, लिमिटेड होम मार्केट यानी कि हम अपने जो भी हमारे मार्केट हैं, हमारे हमारे यहाँ के जो भी ब्रांड्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अगर ब्रांड्स की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड है, बट अगर हम पूरे इंटरनेशनल की बात करें तो बहुत सारे हैं ना। मान लो कि हमको कोई भी फ़ोन लेना है, तो अगर हमको इंडिया वाला नहीं समझ में आ रहा तो हम बाहर का भी चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यानी कि अपने होम मार्केट से ऊपर उठ करके हम कुछ नया सोच सकें, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, मान लो कि कहीं की मैन पावर सस्ती है, जैसे बिहार साइड ले लो, या फिर अपने इंडिया की मैन पावर सस्ती, मतलब कम पैसों में भी काम करने के लिए तो तैयार है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना। ट्रांसपोर्टेशन हर जगह का, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यानी कि नीड है, इंटरनेशनल बिजनेस की क्यों नीड है, इन सभी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो उसमें से आप कुछ दो चार पिक करके लिख सकते हो। देन इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना। मान लो कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो सबसे पहला आता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब समझ जाओ कि हर जगह के रूल्स रेगुलेशंस अलग है ना। तो हर जगह की पॉलिटिक्स और जो भी पॉलिसी होती है वो हर जगह की अलग अलग होती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह अलग अलग होती हैं, तो वो हमको सबको समझना पड़ता है, तो इसके हिसाब से हम प्रॉब्लम्स को, ये भी सबसे बड़ा एक चैलेंज है। देन इसके अलावा करेंसी का फ्लक्चुएशन, कहीं की करेंसी ज़्यादा है, जैसे मान लो कि यूएसए की करेंसी ज़्यादा है कंपेरिजन टू द इंडिया, है ना, तो वहाँ की करेंसी ज़्यादा है, यहाँ की कम है, तो ये करेंसी का फ्लक्चुएशन हो गया। देन कल्चर के डिफरेंसेस हो गए, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी हर जगह के रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के अलग अलग हैं। देन सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो सकता है, मान लो हमने कोई सामान मंगाया, उनके साथ में यानी कि मैनेजमेंट करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। देन इसके अलावा मार्केट एंट्री बैरियर भी होता है, कि हम कहीं दूसरी जगह पर, एकदम नई जगह पर, किसी नए मार्केट के अंदर जा रहे हैं, किसी नए देश के अंदर जा रहे हैं, वहाँ अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मार्केट एंट्री का भी बैरियर होता है, तो सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है, तो सभी चीज़ें हैं जो आपको अपने मन से खुद से भी लिख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर पीपीटी पीडीएफ का लिंक आप लोगों को या व्हाट्सअप नंबर नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आई थिंक इसमें कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।